बेलारी में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी से ग्रामीण इतने परेशान हुए कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट न देने का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई भी विकास कार्य गांव में नहीं कराए गए, इसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। मकनपुर वो जिला मुरादाबाद में लगता है, उसके लिए विकास का पैसा आता ही ना, बताओ। वहाँ मुरादाबाद चले गए, डीएम साहब से भी कह के आए और लिख लिख के भी दे दिया, कोई विकास नहीं आता है। जो भी विकास कराया आपने अपने अपनी ग्राम की निधि से पैसा विकास कराया संभल जिले से। वहाँ पर कितने शौचालय आपने बनवाए? शौचालय वहाँ से वहाँ बनवा दिए हमने, 100 से ऊपर बनवा दिए कुछ। चौरान अपूर्ण शौचालय पड़े हैं जिनके गड्ढे तक अभी तक नहीं बने हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? अब जो गड्ढे पड़े हैं वो पैसे ही पैसे पड़े हैं, जो पैसे आवे हैं तो वो गड्ढे बनवा में, दो चार गड्ढे पड़े हैं और उन लोगों ने जिनके शौचालय बनवाए हैं। तो कौन जिम्मेदार होगा चीज़ का? अब बताओ, इस बात का जिम्मेदार तो कोई प्रधान ना होगा ना कोई बात हो, जब पैसे आ ही ना रहे ऊपर से तो क्या करा जाएगा उसका? बताओ कैसे बनवाए? वो कह रहे हैं कि ये खरंजा बनवाओ, सड़क बनवाओ। हैं वो तो आप ही के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे प्रधान सुनते नहीं है, हमारे कोई काम। अरे तो प्रधान को, तो प्रधान को जिम्मेदार ठहराएंगे और किसे ठहराएंगे? वो आगे की बात क्या जाने के पैसा कहाँ से आया है, कहाँ ना आएगा, या क्या बात हो रही है ना हो रही है? हमने सारी बातें उनके लिख के बता दी, दिक्कत बता दी। किसी अधिकारी को आप सूचित करेंगे? अब हमने डीएम साहब को लिख के दे दिया। जैसे आप अधिकारी से किसी संपर्क करेंगे आप, क्या आप घर बैठेंगे? ना घर के बैठेंगे, वहाँ ब्लॉक में जाएंगे, एडी साहब से कहेंगे, बीडी साहब से कहेंगे, उनसे कहेंगे आगे बात बढ़ाएं। ये सब सारी बातें, ये दिक्कत है बहुत। और ये नालियाँ अगर सही हो जाए, पानी का निकास हो जाए पानी का, तो हमारा जो है सही हो जाएगा। ये आपकी क्या मांग है? आपकी ये मांग है कि हमारी ये सड़क बन जाए, ये नाला बन जाए। इसमें प्रधान जी नहीं कराते काम? प्रधान जी आते नहीं काम में, जो भरा हुआ नहीं रहता, अगर आते काम में तो ये हो जाता काम। ऐसे कितने? और इधर सफाई कर्मचारी नहीं आता, कई साल हो गए। कितने काम छूटे होंगे जो प्रधान ने नहीं कराया? अभी अभी तो बहुत काम छूटे हुए हैं। गड्ढे तक के जो जिसके खुद गए हमारे, तो लैट्रीन अभी ना बनी, जिसकी जबर हा उसकी बन गई, और जो गरीब गुरबा उसकी रह गई ना गड्ढे, जिसके गड्ढे भी खोद के भर गए, वो गड्ढे तलक भी ना भरे, बच्चे गिर रहे हैं, ढोर गिर रहे हैं, हैं? और पीले ईंटों से जो कच्ची ईंटें हैं वो नुई फूट रही हैं। तो ये बताओ, ये भी कोई सुविधा है? और दरवाजे के आगे कितने कितने पानी भर रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो गिरे हैं धार धार, चौमासे में भी भाटे में भी। वोट मांगने के ताई के वोटों का टाइम है, और फिर बात को कोई ना पूछता गरीब गुरबों की, हाँ कोई सुविधा करेंगे या ना करेंगे? जैसे 23 तारीख को वोट पड़ने हैं लोकसभा चुनाव के लिए, आप वोट करेंगे क्या? ऐसे अब नहीं करेंगे हम। कब तक वोट नहीं करेंगे? जब तक हमारे दरवाजे पे या कहीं सुविधा ना मिलेगी हमें, तो हम कब्रिस्तान है हमारे, कब्रिस्तानों के सब मतलब इधर उधर ऐसे ही ना, कोई बाउंड्री है, सब में बाउंड्रियाँ हो गई कब्रिस्तानों में, हमारे तो कब्रिस्तान भी ऐसे ही पड़े। हम साहब इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं, हमें ये उम्मीद है कि हम थोड़ा बहुत रोंगे धोंगे तो शासन प्रशासन हमारी कुछ वो मदद करेगा। एक तो साहब 8 साल हो गए कम से कम, यहाँ सफाई कर्मचारी सबसे शुरू में जिसका चयन हुआ दलीप कुमार का, वो आया 2-3 साल 2-4 साल उसने बहुत बढ़िया काम किया, उसके बाद में साहब कंटिन्यूस कोई भी सफाई कर्मचारी आज तक यहाँ नहीं टिका है। पोस्टिंग बराबर रहता है, तनख्वाह बराबर लेता है, लेकिन ब्लॉक वालों के थैला थामते रहते हैं भैया, और जो वहाँ पर और गाँव में साहब नहीं आते कोई, कभी 2-4 दिन के लिए आ गया तो आ गया। होली दिवाली पे भी सफाई हमारी माता बहनें करती हैं, मैंने आँख से देखा वो करती हैं साहब, नालियों में पानी भर रहता है, गंदगी रहती है, कोई नहीं आता। ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है साहब कि मेरे गांव में बारात घर नहीं है, मंदिर में बारात नहीं रुकने देते साहब मंदिर वाले, और स्कूल में प्रधान कभी साल 6 महीने में एकाध बार आता है, वो भी किसी से कुछ पूछता नहीं, रोड रोड निकला चला जाता है। कभी प्रधान ने ये नहीं पूछा, ना कोई गांव में काम कराया है। लैट्रिन शौचालय बने हैं लेकिन सबके अधूरे पड़े हैं, कोई बन गया है, किसी का गड्ढा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये पोल्यूशन है गांव की, आप देख ही रहे हैं गांव की पोल्यूशन क्या है, सब में पानी भरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम क्या वोट देंगे? हमारे गांव की कॉलोनी आनी थी, इतने गरीब लोग हैं जो ज़्यादा परेशान हैं, किसी की एक भी कॉलोनी हमारे गाँव में नहीं बन पाई अभी तक। इसलिए वोट के लिए सब आते हैं, ना ही आज तक सतपाल सैनी जी आए यहाँ पर, आज तक गांव में घूमने नहीं आए वो, उनको आना चाहिए था एक आध बार। अब वोट ये कराया कि हमारे गांव के लिए कोई विकास नहीं है, प्रधान के पास जाते हैं तो वो कानों पर से टाल देता है कि बीडीओ साहब जाने हैं, बीडीओ साहब के पास जाते हैं तो वो कहता है प्रधान से कहो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, सफाई कर्मी हमारे यहाँ नहीं है, गाँव का विकास कोई नहीं है, लैट्रिन हमारे यहाँ नहीं है, रास्ता सारे बैठ गए, मकानों का प्लास्टर गिर रहा है। जैसे 23 तारीख में चुनाव हो गया, आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे, हमारे गांव का कोई विकास ही नहीं है तो वोट किस लिए?